और इसका प्राइसिंग 30,000 में भी आपकी निकल जाएगी गाइस। 4,000 का EMI आने वाला है गाइस इसमें। इसको हैंड से ही पेंट किया गया है। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है और चलाने में कैसी है। तो दोस्तों फाइनली आज आप यहां देख सकते हो, आज हमारे सामने उपस्थित है गाइस रॉयल इनफील्ड बुलेट 350। ये वापस आ गई गाइस और नए अवतार नए लुक के साथ आई है और बहुत सारे फीचर चेंज होते हैं इसमें, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ EMI डाउन पेमेंट क्या है गाइस वो भी बात करेंगे, क्योंकि आज इसका लॉन्च इवेंट था तो भैया ने हमें बताया है इसकी फाइनेंस डिटेल थोड़ी बहुत, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका हेडलाइट सेटअप दिखाना चाहूंगा। इसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं आपको, इसमें वेरिएंट भी मिलते हैं आपको। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो ना, ये टॉप वेरिएंट है गाइस। इसका हेडलाइट सेटअप देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रंट से आप देखोगे गाइस तो एकदम आपको क्लासिक 350 ऐसा ही देखने को ही मिलेगा, कि क्योंकि ये जो आप देख रहे हो पार्ट ऊपर वाला मफलर आपको देखने को मिलता है, ये टॉप मॉडल में ही मिलेगा। इससे नीचे वाला वेरिएंट आप लोगे तो उसमें आपको ये वाला मफलर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सेम आपको लाइटनिंग सेटअप देखने को मिलेगी, सब आपको हेलोजन में मिलेगी, इंडिकेटर भी हेलोजन में, मगर इंडिकेटर में हैजार्ड का फीचर आपको देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगी गाइस। टायर सेक्शन पे आते गाइस तो आप यहां देखिएगा तो बाइबियर के कैलिपर्स आपको मिलते हैं ABS के साथ। साथ ही साथ 300 nm का आपको डिस्क का डायमीटर देखने को मिलता है गाइस। साथ ही साथ टायर साइज पे चले गए तो 100/90 19 इंच का आपका आगे फ्रंट वाला टायर है, C8 का टायर आपको देखने को मिलता है गाइस। अब चलते हैं बैक में। तो गाइस पीछे का भी लाइटिंग सेटअप आप देख सकते हो, ये आपको पूरा ही हेलोजन में देखने को मिलता है। बल्ब सेटअप मिलेगा आपको भी, हैजार्ड के सिस्टम पीछे देखने को मिलेगा। ये जो क्रोम की फिनिश देख रहे हो ये काफी अच्छी लगती है इंडिकेटर पे खासकर, और ये एकदम क्लासिक आपको 350 SI डिजाइन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गाइस एग्जॉस्ट साउंड की। एग्जॉस्ट साउंड इसमें कैसा देखने को मिलता है, 350 SI मिलता है कि नहीं मिलता है? मैंने तो सुन लिया, मगर आप सुनो, आप सुन के बताओ कैसा आपको इसमें एग्जॉस्ट साउंड लगेगा। मैं माइक निकाल लेता हूं। तो ये गाइस इंजन की नॉइज है, आप सुन सकते हो, विदाउट एक्सीलेशन है गाइस। अब बढ़ते हैं एग्जॉस्ट। तो गाइस ये जो आप कलर देख रहे हो, एक बार इस कलर को भी देख लो, ये मैट में आया है, ब्रांड न्यू कलर है। ये टॉप मॉडल है गाइस। इससे नीचे वाले में जाते हो तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलता है इससे नीचे वाले में। इसमें आपको मैट देखने को मिलेगा, प्लस आप यहाँ टैंक पे देखो तो गाइस आप टैंक देख सकते हो। यहाँ पे आप जो ट्रीटमेंट देख रहे हो ना, ये हैंडमेड है गाइस। इसको हैंड से ही पेंट किया गया है, जैसा कि रोल्स रॉयस में होता है तो रॉयल एनफील्ड में भी ऐसा होता है। अब इंस्ट्रूमेंट में चलते, इंस्ट्रूमेंट में दिखाने लायक कुछ है नहीं यार, कॉपी पेस्ट है, क्लासिक का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। इसमें गियर इंडिकेटर भी नहीं आता है, और साथ ही साथ आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हो अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल को। तो एक बार यहां देख लीजिए आप, यहां पे ट्रिप ऐप मिलता है, टाइम मिल जाएगा आपको, ओडो मिल जाएगा आपको, ये ऊपर आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप ऐप मिलते हैं। साथ ही साथ ABS के इंडिकेटर आपको यही प्लेसमेंट है, बैटरी मिल जाएगी, इंजन माल फंक्शन, लो फ्यूल, साथ ही साथ इंडिकेटर, RPM मीटर आपको देखने को मिलता है। कुछ है ना इसमें दिखाने लायक, तो मैं इसका चाबी आपको दिखा देता हूँ। चाबी एक बार आप देख लो, सेम इट इज रॉयल इनफील्ड की जैसी आती है वही आपको मिलेगी। इंजन पे बात करेगा इस, तो इंजन आप देख सकते हो ये पूरा ही आपको ब्लैक में देखने को मिलेगा। अगर आप इसके लो मॉडल में जाते हो तो उसमें आपको ये सिल्वर फिनिश में देखने को मिलता है, इसमें आपको ब्लैक में मिलेगा जैसे क्लासिक 350 में मिलता है वैसे आपको यहाँ मिलेगा। और सेम इंजन है आपका, 20 PS का पावर, 27 nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है गाइस। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें रहने वाला है गाइस। सेम इंजन आपको यहाँ पर रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। मेन हाईलाइट इसका सीट है गाइस, आप यहाँ देख सकते हो 805 mm का इसमें सीट हाइट आपको देखने को मिलता है गाइस। और सीटिंग की कुशनिंग काफी अच्छा है, मैंने अभी इसको राइड किया है तो मुझे मालूम है कि कुशनिंग अच्छा है, और पिलियन का भी कुशनिंग अच्छा है क्योंकि पिलियन को हम बुलाते हैं। भैया अभी जो हमने टेस्ट ड्राइव लिया इसमें, तो पिलियन पे आप पीछे बैठे हुए थे, मैं आगे बैठा हुआ था, आपने चलाया अभी इसको, कैसा लगा चला के पहले ये बताइए। बाइक सही है, ये जो कनेक्टेड सीट है यानी पूरा एक रोम है, ये असल जो बुलेट का मतलब है ना वो यही मतलब है। ऐसे होता है कि जो नॉर्मल अपना क्लासिक 350 आता है उसमें सेपरेट अपना मिल जाता है, जैसे कि वहां पर लगी हुई है वो स्प्लिट, स्प्लिट हां स्प्लिट सेपरेट सेपरेट अलग रहता है, तो उससे ज्यादा मतलब आप कंफर्टेबल इस वाले सीट पर होगा, चाहे राइडिंग के मामले में हो चाहे वो पिलियन के मामले में हो। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है बहुत, और चलाने में कैसी है? चलने में सबसे अच्छा चीज मुझे इसका पर्सनली लगा वो लगा भाई ब्रेकिंग, ब्रेकिंग भी एक नंबर A1 क्वालिटी का ब्रेकिंग है। और बाकी ज्यादा तो स्पीड यहाँ पर किए नहीं, नॉर्मल रोड है अपना तो ज्यादा स्पीड करना सही नहीं था। भैया इनिशियल पिकअप कैसा लगा था? इनिशियल पिकअप सही है, और इस तरीके के बाइक से मतलब क्या आदमी उम्मीद, 100 जो मैंने खींचा 100 खींचा अपने, बट थोड़ा मतलब अब जैसे कि ये किसी तरह के सुपर बाइक या फिर उस
टाइप की बाइक है नहीं, R15 MT15 इन सब की तरह की क्विक पिकअप हो, लेकिन रिस्पांस सही है बाइक का। 125 टॉप स्पीड है गाइस, इससे आगे नहीं भागने वाली आपकी बाइक। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या पड़ेगी, साथ ही साथ EMI डाउन पेमेंट आपके क्या पड़ने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो प्राइसिंग, ये जो आप वेरियंट देख रहे हो ये टॉप वेरियंट है और इसका प्राइसिंग 2,53,000 समथिंग आपको एक्यूरेट प्राइस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार अपना स्क्रीन देखना नहीं भूलिएगा। और इसका एक जो लो मॉडल आता है, बेस वेरिएंट बोल सकते हैं, जो आपको ग्लॉसी फिनिश में कलर देखने को मिलेगा, सिल्वर में इंजन का कलर देखने को मिलेगा, आगे मैंने चेंजेस बता ही दिए आपको, तो वो आपको 2,36,000 का देखने को मिलेगा। और जो क्लासिक 350 आती है, जो ब्लैक में आती है, मैट ब्लैक में जो वहां लगी हुई है, एक बार दिखा दो, वहां पे लगी हुई है, उसका 2,63,000 आएगा, इससे 10,000 महंगी है। और सेम फीचर्स ही आते हैं, फीचर्स में कुछ चेंजेस है नहीं, बट लुक वाइज अच्छा लगता है मुझे क्लासिक 350। उसमें अलॉय व्हील आते हैं आपके 10,000 देने पे, तो इसमें अलॉय व्हील नहीं है, स्पोक व्हील आपको देखने को मिलेगा इसमें। अगर आपको अपने सिटी का प्राइस चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में आपको प्राइसिंग मिल जाएगी आपकी सिटी की। तो गाइस इसका EMI डाउन पेमेंट एज एग्जैक्टली नहीं निकला हुआ है, मगर भैया ने एज आपको आइडिया देने के लिए मुझे बताया है, तो इसमें आप 30,000 to 40,000 का आपका डाउन पेमेंट होगा, 30,000 लेके चलो, 30,000 में भी आपकी निकल जाएगी गाइस, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपका 4,000 to 6,000 का आपका EMI आने वाला है गाइस इसमें, और मैं सही बता रहा हूँ 4,000 का भी आता है, प्रीवियस वीडियो देख लो, 4,000 का EMI है हमारा क्लासिक 350 पे, तो इस पे भी आ जाएगा। इस पे जल्दी एक डिटेल फाइनेंस वीडियो आने वाला है गाइस, उसमें हम लोग पूरा अच्छा से बात करेंगे। तो शोरूम एड्रेस आप तो जानते हो गाइस, पर एक बार देख लो, सुधीर ऑटोमोबाइल्स में ही आपको आना है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एड्रेस पूरा, ये आपको अनिशाबाद की तरफ पड़ता है और पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में। और मैं सही बता रहा हूँ, आपको नंबर भी अभिषेक भैया का दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आप चाहे तो अभिषेक भैया से इसको बुकिंग करा सकते हो, क्योंकि ये बुकिंग पे ही आ रही है गाइस, अभी इसका स्टॉक कम है, बट स्टॉक आ जाएगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर लूंगा, तो फॉलो भी करना मत भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।